साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट टीम को अलविदा कह दिया है, लेकिन लिमिटेड फॉर्मेट में खेल जारी रखने का फैसला किया है। हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो गेंदबाजी करते नजर आए। इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए आईसीसी विश्व कप से पहले स्टेन ने इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेला था। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलने वाले डेल स्टेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताया। सवाल की बात यह है कि यह नाम किसी मौजूदा खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्व कप्तान का है। स्टेन ने अपने साथी और पूर्व कप्तान साउथ अफ्रीका के मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर बताया है। स्टेन ने सबसे बेहतरीन क्रिकेटर का नाम पूछे जाने पर एबी डिविलियर्स का नाम लेते हुए कहा, वे एक लाजवाब बल्लेबाज हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त। स्टेन और डिविलियर्स ने एक साथ साउथ अफ्रीका के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला है। इंडियन प्रीमियर लीग में भी आरसीबी के साथ दोनों ने साथ में खेला। इससे पहले आईपीएल में दोनों की आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें डिविलियर्स का बल्ला स्टेन की गेंदबाजी पर भारी पड़ा था। हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से 2014 में गेंदबाजी करते हुए स्टेन को डिविलियर्स ने एक ओवर में 24 रन जमाए थे। ओवर में 24 रन पड़ने के बाद भी स्टेन ने डिविलियर्स को पीठ और हेलमेट थपथपाकर शाबाशी दी थी। इन दोनों के बीच मैदान पर खेल भावना का इस लम्हे के आईपीएल का सबसे बेहतरीन पल बताया जाता है। एबी डिविलियर्स ने 23 मई 2018 को अचानक ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हुए सबको चौंका दिया था। अब वो वापस साउथ अफ्रीका की टीम में वापसी करना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले उनकी वापसी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।